कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में घमासान तेज हो चुका है। इसको लेकर कर्नाटक के किसान संगठनों ने बेंगलुरु बंद होने का भी ऐलान किया है। दरअसल मामला ये है कि कर्नाटक के किसान संगठन तमिलनाडु को पानी देने से सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इस बार तमिलनाडु ने कर्नाटक से 15,000 क्यूसेक और पानी छोड़ने की मांग की। कर्नाटक के विरोध के कारण कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग की, लेकिन तमिलनाडु का आरोप है कि कर्नाटक ने 10,000 क्यूसेक पानी भी नहीं छोड़ा। कर्नाटक का कहना है कि इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर रहने के कारण कावेरी नदी क्षेत्र में जल अपर्याप्त है, ऐसे में कर्नाटक ने पानी छोड़ने से इनकार कर दिया है। हालांकि सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे कर्नाटक ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां कर्नाटक सरकार को झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण के आदेश में कोई भी हस्तक्षेप न करने से इनकार किया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी नदी जल विवाद प्राधिकरण को ये भी आदेश दिया कि हर 15 दिन में बैठक करें। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कावेरी नदी को तमिल में पोन्नी कहा जाता है और ये दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है। इसके साथ साथ ये दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास तौर पे कृषि क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी से ये नदी निकलती है और कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए साउथ ईस्ट की ओर बहते हुए ये झरने के रूप में पूर्वी घाट से उतरकर यानी ईस्टर्न घाट से उतरकर पुदुचेरी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस विवाद पर आप क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।